सो स्वागत है गाइज आप लोगों का सुवर्ण सनराइज ब्लॉग में। सो कैसे हो आप सब गाइज? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आज मॉर्निंग में जो हमने पेड़ पौधे लगाया था और भी हम लोगों ने ऑर्डर कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज 5th जून 2021 2021। सो मॉर्निंग हो चुका है, 8 बज चुका है गाइज, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दिस इज मी सुवर्ण सनराइज। ओके सो गाइज टुडे इज 47th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मैंने कहीं पढ़ा था तो आज है 47th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश यू ए वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप पेड़ पौधे लगा सकते हो और क्योंकि उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं, तो आप लगाइए और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। सो गाइज जस्ट अभी अभी पानी दे रहा था मैं, ये आप देख सकते हैं। सो एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है हमारे लिए, जो कि पूरे परिवेश को हम, ये जैसे पेड़ है तो दिस इज़ सो नेचुरल। ओके ये जो परिवेश है इन लोगों की वजह से हम जिंदा हैं, यानी पेड़ पौधे, दिस इज नेचुरल। सो जितना हो सकता है उतना पेड़ पौधे जगाइए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, हम सब के लिए। एक पेड़ काफ़ी है गाइज, एक जन एक पेड़। ओके ऐसा धोखा हो गया, कल हमने सब्जी लाया था माखन, तो उसका पीछे मामा दिखाओ, वो सारा दुकान वाला ही ठग दिया हमें, पीछे पूरा खराब ही दे दिया, क्या कर सकते हैं। मामा पता है ना आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो पौधे पेड़ पौधे लगाया आपने? पेड़ पौधे लगाना चाहिए आज के टाइम पे। और हमारे घर में भी आर्टिफिशियल फ्लावर बहुत सारा है। आज के दिन पे यार जब हम स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे तो उस टाइम पे याद आता है आज का दिन, क्योंकि पूरे जितने भी क्लास के बच्चे थे सारे पौधे कोई घर से लेके आता था, कोई स्कूल की तरफ से मिलता था, तो हर जगह से फ्लावर हो, पौधे हो, पेड़ आप लगा सकते हो। सो याद आता है आज का दिन गाइस। अभी टाइम हो रखा है 11:05। आई थिंक आप लोगों का भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका होगा। यार पता नहीं चूहे कहाँ कहाँ से घुस आते हैं यार, आप पीछे देख सकते हो तो ये सेंसर वाला मशीन है, और जो पीछे जो व्हाइट कलर का तार है उसको आगे वो काट दिया था भाई, वहाँ से मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ से ये एसी के ऊपर से आता है, नीचे जंप करके उधर ऊपर चला, व्हाइट तार को काट दिया था भाई, फिर ज्वाइंट करने के बाद ये अभी चालू हो रहा है, चालू हो गया है शायद, हाँ अब ओके है, नहीं तो पहले पूरा काट दिया था ये वाला हिस्सा। करेला भी है, करेला का जूस भी बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद पियेंगे, और जूस बनाएंगे अभी हेल्थ के लिए भी सही। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे नेचुरल खाना पौधे का। तो ये हमारा करेला काट रहा है, और मैं बता दूँ ये देसी चाकू है, उड़िया में पनखी बोलते हैं, और ये देसी पहले के ज़माने अभी भी किसी किसी घर में है। अभी ग्राइंडिंग करेंगे करेला जूस। करेले का जूस पी हुई क्या? इतना सा हुआ है करेले का जूस एनवायरनमेंट डे पे, आज करेले का जूस पियेंगे गाइज। ओके गाइज अभी करेले का जूस बन चुका है जैसे कि आप लोगों ने देखा। सो आज क्या है श्री, हैप्पी एनवायरनमेंट डे, सो विश्व परिवेश दिवस है, पेड़ पौधे लगाइए। तो आज के दिन पे करेले का जूस, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वाइफ के हाथों से अगर करेले का जूस पिया जाए तो थोड़ा टेस्ट चेंज भी हो सकता है आई थिंक। चल झूठा। सो मैं सोच रहा हूँ कि श्री मुझे पिलाएंगे, सो देखते हैं कैसे होता है इनके हाथ का करेले का जूस। बनाया मैंने लेकिन उनका हाथ आ गया ना, एक सेकंड टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है श्री का रिएक्शन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, काउंट करेंगे श्री। फोर फाइव ही बोले, लेट्स गो, पार्टी हो रही है। हाँ माज करती वाह बेटे वाह।
Run. होता है पूरा कड़वा। अम्मा मैंने करेले का जूस पी लिया अभी। कितना मतलब क्या बोलूं, करेले का जूस भी पी लिया, करेला फ्राई भी बन रहा है घर पे। तो आज एनवायरमेंट डे पे परिवेश दिवस है आज, तो इसीलिए परिवेश का खाना खा रहे हैं हम लोग। करेले जूस पीने के बाद नारियल खा रहे हैं हम, फ्रेश नारियल। मम्मा तो खाए जा रहे हैं भाई, और श्री भी खाए जा रहे हैं। 2 hours later देख सकते हैं 13:07 यानी 1:08 हो चुका है, और मैं दही लेके आ चुका हूँ। लंच कंप्लीट हो चुका है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, वाइफ स्पेशल गिफ्ट वाला ब्लॉग। ओके, और मैं दही खा के ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ गाइस। इट्स ए वेरी गुड आफ्टरनून। अभी 3:00 तो सीन्स कुछ ऐसा है कि 1:00 से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, वीडियो अपलोड चल रहा है। और अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भी क्या करने वाले हैं। 3:00 है, ओके वीडियो अपलोड करने देते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइज राइट नाउ मैं पहुँच चुका हूँ श्री के पास, आप देख सकते हैं, और भाई भी ज्वाइन करने वाला है। और हम लोग बनाने वाले हैं आज पानी पूरी, गुपचुप पानी पूरी। मैंने भी मदद किया यार, मैंने मैदा भून लिया है, और श्री ने पानी तैयार कर लिया है वो इमली का, और भाई हेल्प करेगा। तो तीनों ही हम लोग आज बनाने वाले हैं, अब देख सकते हैं पानी पूरी, और लास्ट में चैलेंज होगा पानी पूरी चैलेंज। सो गाइस, सो घर पे मील बांट के हम लोग आज पानी पूरी बना रहे हैं, श्री बेल रहे हैं और पानी पूरी का वो गोल गोल राउंड राउंड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने इंडक्शन ऑन करके तेल डाल दिया है, जो कि रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है तेल। 5 मिनट के बाद जब गर्म हो जाएगा फिर फ्राई करना स्टार्ट कर लेंगे। ओके गाइस, सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन वो ब्लॉग के चक्कर में मैं क्या बताऊँ यार, 1:00 से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी 3:30 तक हो गया, 2.5 घंटे हो गए, ब्लॉग अपलोड हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लैपटॉप ही लेके खुद आना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रख दूंगा। तो अभी मैं बेडरूम जाता हूँ, लैपटॉप को लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो इधर मैं पानी पूरी बनाता भी रहूँगा और इधर ब्लॉग भी अपलोड कर रहा भी बीच में आ जाता है। तो एक काम करते हैं, लैपटॉप को रख देते हैं यहाँ पे, इधर वीडियो भी अपलोड होता रहेगा और हम इधर हेल्प भी करते रहेंगे श्री को भी, और मैं इधर फ्राई करता रहूँगा। ओके चुका है, और हमारे घर पे पानी पूरी का वो क्या बोलते हैं उसको, छाछ नहीं है, तो इसमें हम लोग यहाँ ढक्कन में बना रहे हैं। तो ये पानी पूरी हो रहा है और गोल कर रहे हैं श्री, मेहनत कर। ट्राई करने का वक्त आ चुका है और पानी पूरी चैलेंज करने वाले हैं हम, बहुत मजा आएगा आज का ब्लॉग गाइस, एंड तक देखना। ओके तो गाइस, भगवान का नाम लेके ऑयल गर्म हो चुका है और पहला हम डाल रहे हैं, चलो देखते हैं कैसा बनता है। सो ये मैंने डाल दिया है पानी पूरी, लेट्स गो। ये सो गाइस, ये सेकंड वाला हमारा ऑलरेडी फूल चुका है और ये बहुत अच्छा पानी पूरी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम अभी निकालने वाले हैं। पकोचा है, सूरज ये 3 मैंने डाला है, देखते हैं कौन कौन सा फूल रहा है, चौथे भी डाल देते हैं, जगह तो खाली है, लेकिन इसके ऊपर जब आ जाता है ना ये फूलता नहीं। ओ भाई साहब, इसमें थोड़ा तेल छिटक दो, पानी पूरी ठेला लगाएंगे भाई। इसको ऐसे उलट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि रेड होता है तब जाके मजा मांगता है इसमें। सो गाइस, इधर पानी पूरी बन रहा है और इधर मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है, आप लोग देख के एंजॉय करो। सो इसको मैंने अपलोड कर दिया है अभी अभी, जस्ट 3 घंटे लग गया भाई, क्या बोलूँ, अपलोड हो चुका है। चलो लैपटॉप बंद करो, इसको क्लोज करके। सो फाइनली गाइस, देखते ही देखते मैंने और श्री ने बना लिया है इतना सारा, मिनिमम 30 पानी पूरी होगा, और भी बना रहे हैं हम लोग। फाइनली गाइज, पानी पूरी बन चुका है और पानी पूरी जाएगा अभी पेट पूजा करने के लिए। तो खाना खाएंगे अभी पानी पूरी। दिस इज पानी, दिस इज पूरी, और ये आलू, और मैंने अभी जस्ट प्याज काट के डाल चुका हूँ।
कोई घुस जा रहा है यार, एक एक पापड़ी खत्म कर रहे, मतलब कितने कम गया है यार, सारे खा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना खाऊंगा, चलो मैं भी एक खा लेता हूँ भाई। सी ने भी एक खा लिया, मामा जी खा लिया, भाई भी आ गए। पहले टेस्ट हो रहा है, श्री पहला टेस्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बताएंगे वो। श्री कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तो सेकंड टेस्ट में ही करूँगा, पानी दो इसमें। चलो भैया पानी पूरी लगाओ। पानी पूरी लगाओ भैया, ये मैं सेकंड टेस्ट करने जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है। तो आपको कैमरा पकड़ना पड़ेगा भैया जी, नहीं मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ भैया जी। तो ये टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है भाई। ओके एक चूल्हा बना दो भैया, टेस्ट कर करके खाता भी खत्म कर चुके हैं। और हम लोग जो बोल रहे थे पानीपुरी चैलेंज क्या करेंगे यार, पानीपुरी बचेगा तब तो पानीपुरी चैलेंज करेंगे, और कभी ब्लॉग बनाएंगे पानीपुरी चैलेंज का, कोई आके खा रहा है तो। सो गाइस आप देख सकते हो ये मैंने ऐसे करके ऐसे निकाल दिया, ये पूरी हो गया, छोटा सा पूरी, तो ऐसे पानी में ऐसे करके ऐसे ढोकला अब खा सके। फाइनली पानी पूरी रेडी हो चुका है और मैं भी खाने जा रहा हूँ, खाने के बाद बताता हूँ कैसा लग रहा है। और पानी पूरी चैलेंज तो आज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पानी पूरी ही नहीं है हमारे पास, और तो क्या चैलेंज करेंगे। ओके